नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद से हांगकांग में असहमतिपूर्ण आवाजों को बंद करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार एक मीडिया टाइकून पर चीनी सरकार की नजर पड़ी है। मीडिया टाइकून और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टर आलोचक जिमी लाई को विदेशी देश के साथ मिलीभगत के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाई चीनी शासित शहर में सबसे प्रमुख लोकतंत्र कार्यकर्ताओं में से एक है और बीजिंग के एक उत्साही आलोचक हैं, जिन्होंने 30 जून को हांगकांग पर व्यापक कानून लागू किए जाने को लेकर पश्चिमी देशों से निंदा की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 72 साल के जिमी के अलावा उनके दोनों बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके करीबी मार्क सिमोन ने ट्विटर पर एक बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि जिमी लाई को इस समय विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत होने की वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। हांगकांग पुलिस की तरफ से बताया गया है कि अब तक 7 लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सभी पर सुरक्षा कानून के उल्लंघन का आरोप है। हालांकि पुलिस ने इन 7 लोगों का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया है। लाई हांगकांग के लोकप्रिय टैब लॉयड एप्पल डेली के मालिक हैं। इस खबर को हांगकांग में चीनी सरकार का बड़ा आलोचक माना जाता है। सिमोन ने बताया है कि पुलिस ने लाई और उनके बेटे के घर की तलाशी ली है। इसके अलावा लाई की तरफ से शुरू किए गए एक और ग्रुप नेक्स्ट मीडिया के दूसरे सदस्यों के घरों की भी तलाशी ली जा रही है। जिमी को फरवरी में भी गिरफ्तार किया गया था। उस समय उन्हें साल 2019 में हुए अनाधिकृत विरोध प्रदर्शन की वजह से गिरफ्तार किया गया था। पत्रकारों से बातचीत में लाई ने हांगकांग में रहने और लोकतंत्र के लिए लड़ाई जारी रखने का वादा किया, भले ही वो नए कानून के लिए लड़ने वाला अकेला हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।